और इस बीच आपको बड़ी अपडेट दे दें लालकुआ से, जहां जंगल में गश्त करने पहुंचे वनकर्मी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बड़ी अपडेट आपको लालकुआ से दे दें, जहां जंगल में गश्त करने पहुंचे वनकर्मियों पर फायरिंग की गई। दरअसल लालकुआ में तराई केंद्रीय वन विभाग रेंज अंतर्गत बेखौफ वन तस्कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वन विभाग और लकड़ी तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी और जिसके बाद फिर लकड़ी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जंगल में गश्त पर गए वनकर्मियों पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें रेंजर सहित 4 वनकर्मी घायल हो गए हैं और तस्वीरें इनकी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना तराई केंद्रीय वन विभाग के पीपल पड़ाव रेंज के जिला उधम सिंह नगर की है, जिसमें वन क्षेत्राधिकारी सहित एक वन दरोगा, 2 वन आरक्षी को गोली लगी। फिलहाल घायल वनकर्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारी पहुंचे। घटना के बाद से पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। जंगल में हुई मुठभेड़ की वीडियो भी सामने आया है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको, और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी भी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। टोटल 4 लोग घायल हैं, 3 लोग यहां अभी पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में और 1 अभी रास्ते में है। सर कहां से? इसके बारे में डिटेल पता की जा रही है कि कितने लोग थे और अभी कहां से आए थे, स्पष्ट अभी बताया जाना मुश्किल है, लेकिन उनमें से किसी की पहचान वनकर्मी के द्वारा की गई है उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। 2:30 बजे हमारे वन आरक्षी का फोन आया कि साहब कुछ लोग जंगल में घुसे हैं लकड़ी लेकर, लकड़ी चोरी के लिए, और हम लोग कम हैं। तो मैंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया, नज़दीकी जो पीड़ा का स्टाफ उसको सूचना दी कि आप लोग मौके पर पहुंचे, और मेरे द्वारा चौकी इंचार्ज गुलर बोस को सूचना दी गई कि मैं मौके पर जा रहा हूँ, ऐसी सूचना आई है। उनके द्वारा बताया गया कि मैं सर बाहर हूँ, आप एसओ साहब से बात कर लो। फिर मैंने एसओ गदरपुर से बात की, उनके द्वारा बताया कि सर मैं बिजी हूँ और कोई बात हो तो मुझे बता दें। इसको मैं फिर पहुँच गया मौके पर, तो हम लोग करीब 20-22 लोग थे, जहाँ फॉरवर्ड ने बताया जिस एरिया में ये लोग गए उस एरिया में हम लोग जब पहुँचे तो ये बैठे हुए थे, जैसे ही हमें देखा तो ये खड़े होकर सीधे फायर करने लगे। हमारे द्वारा भी हवाई फायर किए गए, जब इनको लगा कि हम घिर जाएंगे फिर उन्होंने सीधे फायर करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम सरकारी सेवक हैं, हम सीधे नहीं मार सकते थे, तो ये अपना काम करके निकल गए। ये लगभग 10-12 लोग थे। मौके से एक बाइक बरामद हुई है, 2 आरे बरामद हुए हैं। अब पुलिस तो आ गई मौके, वहाँ जंगल में कहाँ जाती, बारिश हो रही है। मेरी टीम में करीब 4 लोगों के छर्रे लगे हैं, 2 बनाची हैं, 1 बंदरोगा, 1 मैं हूँ। मामला बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी मुन्ना अंसारी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, वन तस्करी के तस्कर जो है उनके हौसले इतने बुलंद है कि वन अमले पर ही फायरिंग कर रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ जो स्थिति बनी है, जो तमाम अधिकारी या कन्वी है जो घायल हुए हैं उनको लेकर क्या अपडेट है? जी हम बताना चाहेंगे, तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज में वन विभाग की जो गश्त है वो गश्त की टीम गश्ती कर रही थी, जिसको अचानक सूचना मिली कि वन तस्करों ने यहाँ पर जंगलों में कटान शुरू कर दिया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी और घेराबंदी अपने को घिरता देख यहाँ पर जो वन तस्कर है उन्होंने लगातार फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करने के बाद लगातार जो है दोनों ओर से इधर से जवाबी फायरिंग भी वन कर्मियों ने दी, लेकिन वो घबराए नहीं और उसके बावजूद भी यहाँ पर डटे रहे। लेकिन बनकर तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने लगातार पहले तो हवाई फायरिंग कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सामने ही गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें एक वन क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम जो की है उनके छर्रे लगे हैं, उसके अलावा जो 3 अन्य जो वनकर्मी है उनके कुल मिला के 4 वनकर्मी है इसमें घायल हुए हैं, जिनको जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद यहां पर जो है कॉम्बिंग शुरू कर दी गई वन विभाग ने, इसके बाद सूचना के बाद एसएसपी ने भी इस अस्पताल में जाकर बिल्कुल जो है घायल वन कर्मियों से मुलाकात करते हुए उनसे पूरे घटनाक्रम जाना, और साथ ही यह गदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिसके बाद थाने की पुलिस को यहाँ पर कॉम्बिंग करने के निर्देश दिए गए। देर रात तक कॉम्बिंग चलती रही वन कर्मियों के साथ और इसमें लगातार कार्रवाई करने के लिए इसमें सख्त रुख अख्तियार कर रखा है एसएसपी ने,
तो इसमें देखा जाए तो इसमें वन कर्मियों के इतने हौसले बुलंद है कि इससे पहले भी एक घटना कारित की थी, उन्होंने वन कर्मियों ने फायरिंग की थी। अब ये दूसरी जो घटना है कुछ दिन बीतने के बाद फिर से वन कर्मियों ने फायरिंग की हो, तो जबकि इसमें अधिकारी भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर वन कर्मियों के यहाँ पर पहले भी कई बार इनपुट मिले हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में वन तस्करों ने यहाँ पर यहाँ तस्करियां की हैं। यहाँ की बेशकीमती जो लकड़ियां हैं उनको यहाँ से तस्करी करके यूपी की ओर ले जाते हैं, तो जिसको लेकर यहाँ पर वन विभाग आए दिन यहाँ पर अभियान भी चलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वन कर्मियों के इतने हौसले बुलंद है कि वो दुस्साहस करने से, वारदात करने से पीछे नहीं हटते। जी निश्चित तौर पर देखिए वन तस्करों पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गंभीर मामला हो जाता है वन कर्मियों पर ये फायरिंग की गई, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया मुन्ना आपको जानकारी साझा करने के लिए।